हेलो गाइस, वेलकम टू द शाही ग्रिल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको मीठे चावल बनाना सिखाऊंगी। इन्हें खास मौक़ों पर, जैसे त्योहारों पर या बसंत पंचमी पर बनाया जाता है। इन्हें जर्दा पुलाव भी कहते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्हें बनाने के लिए आपको चाहिए 1 कप बासमती चावल, 1 कप चीनी, 3-4 टेबल स्पून घी, 3 टेबल स्पून घी, थोड़ा सा केसर, 3-4 इलायची, 2 लौंग और 1 तेज पत्ता और 1 कप दूध और कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी चाहिएंगे हमें और थोड़ा सा येलो फूड कलर भी चाहिए। ये मैंने चावलों को 20 मिनट के लिए भिगो लिया है, तो पहले चावलों को भिगो लेंगे। फिर उसके बाद एक पैन लेंगे और इसमें 3 कप वाटर ऐड करेंगे। 3 कप पानी उसी बर्तन से ऐड करें जिससे आपने चावल नापे थे। 2 एंड दिस इज 3। अब गैस जलाकर इसमें पानी रख देंगे गर्म पकने के लिए। गाइस, हम 2-3 स्ट्रैंड्स केसर के डाल देंगे। देखिए, दो लौंग ऐड कर देंगे, 1 तेज पत्ता डाल देंगे और 2 इलायची। इनको थोड़ा सा वो कर लेंगे कि कूट लेंगे इलायची को, फिर डालेंगे। तो पानी को पका और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, फूड कलर बहुत थोड़ा सा ही ऐड करेंगे। और अब अगर आप फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ी सी हल्दी ऐड कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमारा पानी पकने लगा है, तो अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। इन्हें हम मीडियम हाई फ्लेम पर कुक कर लेंगे 5 से 7 मिनट में। इतनी दूसरी गैस जलाएंगे और इस पे कढ़ाई रख देंगे। इतने हमारे चावल कुक हो रहे हैं, इतने हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे कढ़ाई में। इसे घी को मेल्ट होने देंगे। देखिए गाइस, हमारा घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और इन्हें रोस्ट कर लेंगे। देखिए, हमारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं, तब हम इन्हें निकाल लेंगे बाहर। देखिए गाइस, मेरे सारे ड्राई फ्रूट रोस्ट हो गए हैं, तो इन्हें हम साइड में रख लेंगे। इतने अपने चावलों को भी चेक करेंगे कि हुए हैं या नहीं। चावलों को केवल 80% तक पकाना है, पूरी अच्छी तरह से नहीं पकाना है। ये देखिए, मेरा चावल 80% तक पक गया है, तो अब मैं इसे, देखिए गाइस, ये मैं छान लूंगी इन्हें। तब गैस जलाएंगे और अपनी घी वाली कढ़ाई रख देंगे जिसमें हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे, और इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे, 1 टेबल स्पून, और शुगर ऐड करेंगे। और
और ये एक कप जो दूध था वो भी इसमें डाल देंगे। इन्हें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जब तक हमारी चीनी मेल्ट नहीं हो जाती, गाइस मेरी चीनी मेल्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसे चाशनी जैसा नहीं बनाना है, बस केवल हमें ध्यान रखना है कि मैं चीनी मेल्ट हो जाए। अब हल्के हाथ से इनमें चावलों को मिक्स कर देंगे। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। मिक्स करेंगे और इसका लिड लगा देंगे। और इसे लो फ्लेम पे 2-3 मिनट तक पकने देंगे। ध्यान रख फ्लेम आपकी लो ही रहनी चाहिए। लिड उठा के देखेंगे कि हमारे राइस हो गए हैं या नहीं। अभी इसमें थोड़ा सा है मॉइस्चर, तभी इन्हें पकने देंगे। इन्हें बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है, नहीं तो हमारे चावल टूट जाएंगे। इन्हें स्लो आंच पे पकने में 5 से 7 मिनट का टाइम लग सकता है। तो गाइस 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे सिम आंच पे। तो अब मैं इसे चेक कर लूंगी कि मेरे चावल हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। लिड खोल के ये हो चुके हैं, इनका मॉइस्चर निकल गया है सारा। अब गैस ऑफ कर देंगे, इन्हें हल्के हाथ से चला लेंगे। इन्हें 1 मिनट के लिए गैस ऑफ करके ऐसे ही रख रहने देंगे, सीजने देंगे। और तो गाइस 1 मिनट हो गया है, अब मैं इसका लिड हटा दूंगी फिर से। देखिए अब हमारे चावल अच्छे से पक गए हैं बिल्कुल, और चिपके हुए भी नहीं आई बिल्कुल। इन्हें खोल लेंगे हल्के हाथों से और एक बाउल में निकाल के सर्व करेंगे। देखिए ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे, इसे सिल्वर फॉइल से भी डेकोरेट करेंगे। तो देखिए ये आपका रेडी है जर्दा पुलाव या मीठे चावल। तो दोस्तों बताइए कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।